अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए, रेड कलर का, वो ग्रे हो जाएगा। और यहाँ पे बेल का आइकॉन आ जाएगा, उसे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम अब पोहा कैसे स्टोर करते हैं वो दिखाऊंगी मैं आपको। मैं इस तरह मेरे सारे पोहा साफ कर लूंगी। अभी एक आप खाली ग्लास जार ले लीजिए। मैंने ये पारस टेबलेट ली है जो मैंने घर पे बनाई हुई है, ये होममेड है। पहले हम इसको लेयर में डालेंगे। मेडिकल स्टोर में झंडू फार्मास्यूटिकल नाम से आपको पारस टेबलेट मिल जाएगी। वो नॉर्मल मेडिसिन जैसी रहती है, उसको यूज़ करते टाइम काफ़ी ध्यान में रखना पड़ता है कि वो खाने में ना चली जाए। लेयर में डालने के बाद वन गोली सेंटर। हमारे गुजराती फैमिली में सालों से पारा टेबलेट का यूज़ हो रहा है, अभी तक किसी के साथ बुरा हादसा नहीं हुआ। सिर्फ इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये गलती से भी खाने में चली ना जाए। आप चाहे तो पारस टेबलेट को एक कपड़े में बांध के भी अंदर डाल सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट ही डालती हूँ। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि पारस टेबलेट खाने में चली ना जाए। दूसरा गोली रखेंगे। हम ऊपर भी एक पारस टेबलेट रख देंगे। आपको मेडिकल स्टोर में झंडू कंपनी की पारस टेबलेट रेडीमेड मिल जाएगी। अब हम अलग अलग तरह की दाल को कैसे स्टोर करेंगे वो मैं दिखा देती हूँ। फिर वो साफ कर लेंगे। आप साल भर की दाल स्टोर करते हैं तो कड़ी धूप में एक या दो दिन के लिए पहले उसको रख दीजिए। अब हम इसे कैसे भरेंगे वो मैं दिखा देती हूँ आपको। खाली जार लेंगे एक, थोड़ी सी दाल डालेंगे,
बीच में ये 12 टेबलेट रखेंगे, बीच में इस तरह से एक रख दी। अगेन वापस ऊपर इससे ऊपर भी एक रख देनी है, इससे ये खराब नहीं होगी। फिर उसे कवर कर देना है। इसी तरह से हम मूंगफली और दाल को साफ कर लेंगे। अब हम दालिया को साफ कर लेंगे। इसे मैं वापस अभी बैग में भर लूंगी। आप चाहे तो इसे जार में भी भर सकते हैं, बट मैं बैग में ही भरती हूँ। इसे मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इसी तरह हम फ्रिज में मूंगफली को भी स्टोर करेंगे। आप चाहे तो 12 टेबलेट डाल के बाहर भी रख सकते हैं या हल्का सा भून के भी बाहर रख सकते हैं। इसे फ्रिज में स्टोर करने से एक साल तक ये ख़राब नहीं होती है। अब हम रवा यानी कि सोजी और सेमोलिना को कैसे स्टोर करेंगे वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले सोजी को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अब हम सूजी को स्लो फ्लेम पे भून लेंगे। हल्की ही भुननी है, बहुत ज़्यादा भुननी नहीं है, हल्की गर्म हो जाए फिर हम उस गैस बंद कर देंगे। फिर उसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में ही हम जार में भरेंगे, अदरवाइज़ वो पानी छोड़ देगी, हम गर्म ही भर देंगे तो, और सूजी हमारी है वो ख़राब हो जाएगी। इसे ब्राउन नहीं होने देना है, हल्का ही भुनना है। आप चाहे तो सूजी को फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। अगर फ्रिज में जगह नहीं तो मेरी तरह आप बाहर इस तरह से भून के स्टोर करिए। अब हम बात करेंगे चावल कैसे साल भर स्टोर करेंगे। मैंने साल भर का चावल तो स्टोर कर लिया है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा कुछ 2 kg जितना चावल लाई हूँ दिखाने के लिए कि उसको कैसे करना है प्रोसीजर ऊपर। इसके लिए हमें चाहिए इस तरह का कैस्टर ऑयल, रिफाइंड कैस्टर ऑयल। ये ऑयल बिल्कुल भी हेल्थ के लिए बुरा नहीं है, ऊपर से अगर ये गलती से पेट में चला भी जाए तो हेल्थ के लिए नुकसान नहीं करता है। ये तेल को यूज़ करने से पहले हल्का सा गुनगुना कर ले, फिर उसको ठंडा होने के बाद यूज़ करना है। बट मेरे पास अभी थोड़ा कम क्वांटिटी है तो मैं डायरेक्ट ही उसको यूज़ कर देती हूँ इस तरह से। थोड़ा ही डालना है, बहुत नहीं डालना है। इससे आपके चावल 2 साल भी रहेंगे तो भी खराब नहीं होंगे। उसको अच्छे से मसलना है। और आप इसको जब यूज़ करते हैं तब पानी से धोते हैं तो ये सारा
ऑयल है वो इजीली निकल जाता है। काफ़ी लोग बोरिक पाउडर डालते हैं बट वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि बेटर आप ये यूज़ करो। अगर ये रह जाता है थोड़ा गलती से पेट में चला भी जाए तो ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। इसको अच्छे से मसलना है, ऑयल पूरी तरह से सब जगह पे लग जाए। हम पूरे साल का चावल इसी तरह स्टोर करते हैं। इस तरह आप गेहूं, दाल सब चीज़ों को इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। हम साल भर का गेहूं भी इसी तरह स्टोर करते हैं। ये ऑयल लगा देते हैं, ये वाला ऑयल लगा के हम स्टोर कर लेते हैं। पूरा साल भर कीड़ा नहीं लगता है और गेहूं बिल्कुल अच्छे रहते हैं। चावल भी हम पूरे साल भर के स्टोर इसी तरह कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने ऑयल लगा दिया है। अब इसे हम टाइट डब्बे में भर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, पारक टेबलेट का यूज़ करके मैंने ये सब सामान स्टोर किया हुआ है। ऊपर सब दाल है, यहाँ पे है चने की दाल, मूंग की दाल छिलटे बगैर की, यह है उड़द की दाल, यह है तिल, यह है साबूदाना, यह है अक्खा मेथी। ये सब में मैंने पारक टेबलेट्स डाली हुई है। इसमें है अचार मसाला, इसमें है सवा, इसमें है मटकी, चना, अक्खा मूंग और अक्खा तुअर। ये तुअर है 2 साल से मेरे पास है, अभी तक कीड़े नहीं लगे हैं। मतलब ये लास्ट बैच मैंने ये जार में भरा हुआ है, ये गांव से आए हुए थे, अभी लास्ट में है मेरे पास। ये भुना हुआ रवा सूजी, ये है जीरा, ये है राई और ये है कोदरी। ये भी मेरे पास कुछ 1.5 साल से है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। और जार के पीछे भी छोटी छोटी जार है, उसमें भी बहुत सारा सामान भरा हुआ है। मैंने सारा प्रोविज़न भरा हुआ है जिसमें सब में मैंने पारद टेबलेट ही यूज़ की है और बिल्कुल भी इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। अजवाइन है पीछे, अक्खा मसाला है, सौफ है, सब पीछे भरा हुआ है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगे हुए हैं।